चुड़ैल की जादुई सोने की गाय। एक गांव में गीता नाम की लड़की रहती थी। गीता के मम्मी पापा कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। माँ बाप के गुजरने के बाद गीता दूसरों के घरों में और खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी। गीता रोज सुबह उठती और तैयार होकर अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद पास के घरों में काम करने जाती थी। शाम को अपने घर आकर लालटेन जलाकर अपनी पढ़ाई करती। गीता बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से स्कूल के बाकी बच्चे उसके कपड़े को लेकर, कभी फटी किताबों को लेकर उसका मजाक बनाते थे, पर वो किसी की बातों पर ध्यान देने की बजाय स्कूल में एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी, जिससे उसकी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर आए थे। गीता जब स्कूल जाती थी तो उस रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जहाँ उसे रोज एक गाय मिलती थी जो दिखने में बहुत प्यारी थी, और गीता स्कूल आते वक्त उससे रोज मिलती और उसके पास बैठकर उससे थोड़ी देर बातें करती, उसको हरी हरी घास खिलाती और फिर चली जाती। ऐसे ही रोज की तरह वो गाय से मिलकर स्कूल से आ रही थी तो वो गाय उसके साथ साथ उसके घर आ जाती है। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो वही जंगल रहना चाहिए था। अच्छा चलो ठीक है, आ तो गई हो, पर मैं घर पर रहती नहीं हूँ, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? चलो कोई बात नहीं। ऐसा कहकर गीता उस गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिलाती है और बड़े प्यार से गाय को निहारती है, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। और जैसे ही रात होती है, गाय के आगे चारा डालकर सोने चली जाती है। और अगली सुबह गीता जल्दी जल्दी उठकर गाय का गोबर उठाती है और फिर गाय के नीचे से साफ सफाई करके उसे नहलाती धुलाती है और फिर उसे खाने के लिए चारा देकर अपने स्कूल चली जाती है। और ऐसा ही वो रोज करती थी। जो पैसे उसे मिलते थे, उसे अपने खाने के लिए और गाय के लिए चारा खरीदती थी। लेकिन जब एक सुबह वो उठती है तो रोज की तरह गाय के पास जाती है और उसके सामने चारा रख कर उसका दूध निकालती है तो देखती है गाय सोने का दूध दे रही है। गाय गोबर करती है तो सोने का गोबर करती है, और गाय जब आवाज लगाती तो सोने के ढेर सारे सिक्के उसके मुंह से निकलते। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से घर के अंदर से एक टोकरी लेकर आती है और सारा सोना भरकर घर के अंदर रख देती है। बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने मेरी इतनी मदद की। ऐसा कहकर वो स्कूल चली जाती है और जल्दी जल्दी स्कूल से आ जाती है, और स्कूल से आने के बाद वो सारा सोना बाजार में जाकर बेच कर आ जाती है, और उससे जो पैसा मिलता है उससे वो अपने खाने के लिए खाना खरीदती है और गाय के लिए भी ढेर सारा खाना खरीद लेती है और बहुत खुश होती है। और फिर अगले दिन उठकर गाय के पास जाती है और वो वहाँ देखती है कि गाय का गोबर सोने का है, वो सोने का दूध दे रही है और गाय के मुंह से भी सोना निकल रहा है। फिर गीता उस सोने को बाजार में ले जाती है और बेच आती है। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे गीता अपने लिए और गाय के लिए सुंदर सा घर बनाती है और अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवा कर अपने लिए किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदती है और अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। फिर अपने जैसे कई बच्चों की भी वो मदद करती है और दूसरे के घर घर जाकर काम करना भी बंद कर देती है, जिससे गांव की ठकुराइन उससे पूछती है, क्यों री गीता, अब तुझे पैसे नहीं चाहिए जो तू काम नहीं करने आती? नहीं चाची, अब मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लिया, अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, इसीलिए काम नहीं करूँगी। इतना पैसा कहाँ से आ गया तेरे पास? ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया जो ऐसे बोल रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है चाची, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है, पर उस ठकुराइन को गीता पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपने एक नौकर को उस पर नजर रखने को बोलती है और उसका नौकर ऐसा ही करता है। तो उसे गीता की जादुई गाय का राज पता चल जाता है और वो दौड़ता हुआ जाकर ठकुराइन को ये सब बातें बता देता है। अच्छा, तो ये है जिसकी वजह से ये गीता की बच्ची रातों रात अमीर बन गई है, इसे तो मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर ठकुराइन उससे वो गाय लेने की योजना बनाती है। जब गीता अपनी गाय को शाम को जंगल में चारा खिलाने ले जाती है तो वहाँ ठकुराइन आ जाती है। क्या हुआ चाची, आज तुम यहाँ कैसे? क्यूरी कलमुही, तो ये गाय तेरी रातों रात तरक्की का राज है और मुझे बोल रही थी कि कुछ नहीं चल रहा, ये गाय मुझे दे दे,
इसके बदले मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, समझी? नहीं नहीं, मैं अपनी गाय नहीं दूंगी। तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। ऐसा कहकर ठकुराइन गीता को धक्का दे देती है और गाय जबरदस्ती लेकर जाने लगती है। पत्थर पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गीता एक चुड़ैल बन जाती है और उसी जंगल में भटकने लगती है। और उधर ठकुराइन गाय को ढेर सारी घास खिलाती है ताकि वो खूब सारा सोना दे, पर वो गाय कोई सोना नहीं देती, जिसकी वजह से वो गाय को खूब मारती है। ये सब चुड़ैल देख लेती है और उस ठकुराइन को मारने लगती है। क्यों रे, तू मेरी गाय को मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तुझे बताती हूँ, ये ले तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे बहुत मारती है, पर ठकुराइन वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है और गांव में जाकर सबको बोल देती है। गांव वालों, अरे ओ गांव वालों, गांव में एक चुड़ैल आ गई है, जल्दी चलो मेरे साथ सभी लोग। ऐसा कहकर ठकुराइन अपने साथ तांत्रिक बाबा और सारे गांव वालों को ले जाकर वो चुड़ैल दिखाती है और बोलती है, ये देखो मुझे मारनी आई है, बाबा जी मुझे बचाओ इससे। नहीं बाबा जी, इसने मुझे मार दिया था और अब मेरी गाय को भी मार रही थी। ऐसी ही वो अपनी पूरी कहानी बाबा को बताती है। क्योंकि गीता अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनता और बाबा उसे अपने मंत्र से बोतल में बंद करने वाले ही होते हैं। तभी गाय उसे धक्का देकर बोतल नीचे गिरा देती है और बाबा की धोती खींचकर उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ गीता की लाश होती है, जिसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि ठकुराइन ने ही उसे मारा है। तब गांव वाले पुलिस को बुलाकर उस ठकुराइन को जेल में डलवा देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी गाय को लेकर और गांव वालों की मदद करने लगती है। जूली अपनी माँ सीमा के साथ शहर से अपने गांव जा रही थी। गांव जाते वक्त सीमा अपनी बेटी जूली से बोलती है, बेटा जूली, तुम्हारे पापा के जाने के बाद शहर से इस गांव में घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। बेहतर यही है कि इस गांव वाले घर को बेच दिया जाए और शहर में अपना बिजनेस अच्छे से हम चलाएं। हाँ, सच में लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा। हाँ बेटा जूली, तुम्हारे पापा के जाने के बाद इतनी दूर इस गांव में सफर करना और काफी रात भी हो जाती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस घर को ना ही रखूं। हाँ ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। वैसे माँ, और कितनी देर लगेगी गांव पहुंचने में? पता नहीं बेटा, अभी तो बहुत दूर है, यही पास में एक होटल है, हम वहीं रुकेंगे आज और कल सुबह गांव के लिए निकलेंगे। ठीक है? ठीक है माँ। सीमा कार चला ही रही होती है, इतने में जूली चिल्लाती है, क्या हुआ जूली, तुम इस कदर चिल्ला क्यों रही हो? माँ, वहां कोई था। कहां पर जूली? अपनी कार के आगे माँ। कोई जानवर होगा जूली, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं दिखा। हाँ माँ, हो सकता है, शायद मेरा कोई वहम हो। खैर जूली, तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, आंख बंद करके सो जाओ और जब होटल आएगा मैं तुम्हें उठा दूंगी। ठीक है माँ। इतना कहकर जूली अपनी आंखें बंद करके सो जाती है और थोड़ी देर बाद जूली और सीमा होटल के पास आ जाती है और अब सीमा उसको उठाती है। तब जूली अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, ये गाय जैसा होटल, ये कैसा अजीबोगरीब होटल है। माँ, कोई और होटल नहीं मिला क्या तुम्हें? क्यों, इसमें क्या परेशानी है? ये होटल अपना नहीं बल्कि बुरे सपने जैसा लग रहा है मुझे तो। बेटा जूली, एक रात की ही तो बात है, हमें कौन सा यहाँ दुनिया बसानी है। मैं भी पता नहीं क्या सोच के आपके साथ यहाँ पर आ गई, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही ठीक थी। जूली बोल ही रही होती है कि इतने में उसकी नजर अपनी माँ के ऊपर जाती है, लेकिन उसकी माँ वहां पर उसको नहीं दिखती और वो माँ माँ कहकर चिल्लाने लगती है और अपने आगे पीछे देखने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको कहीं नहीं दिखती। जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ती है, वैसे ही उसको एक भयानक चेहरा दिखाई देता है जो एक चुड़ैल का था, और जूली डर जाती है
डर के वो अंदर भाग जाती है। और जब अंदर भागती है तो अंदर जाकर वो देखती है सभी कमरे के दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, और अब वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आती है, जूली बेबी कम आउटसाइड, देखो तुम्हारी माँ है बाहर, आओ ओपन द डोर। अपनी माँ की आवाज सुनकर जूली ने दरवाजा खोल दिया और अपनी माँ को देखकर सुकून भरी सांस ली और अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी माँ उसको बोलती है, अरे जूली बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तुझे ना यहाँ सिर्फ वहम हुआ होगा। तुझे पता है तेरे डैड और मैं शादी के बाद यहीं पर रुके थे, पहले तो ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब मानो इसको किसी की नजर लग गई हो। वैसे भी सिर्फ एक रात की ही तो बात है, मेरी जूली मेरे लिए इतना तो कर सकती है ना, रह सकती हो ना यहाँ पर एक रात। हाँ माँ, आप जैसा कहें। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से एक औरत लालटेन लेकर बोलती है, सुनिए। दोनों डरते हुए पीछे देखते हैं, तब उन्हें एक औरत हाथ में लालटेन लिए दिखाई देती है। आप कौन है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको डरा तो नहीं दिया ना, मैं विद्या हूँ, यहाँ की देखभाल करती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप सीधा मुझसे बोलना, मुझे आप कभी भी आवाज लगा सकते हैं, मैं तुरंत आपके सामने आ जाऊंगी। जी आपका धन्यवाद, हमें कोई जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। इतना कहकर विद्या वहां से चली जाती है और वहीं सीमा और जूली अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को जूली की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसकी माँ हवा में उड़ रही है और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर हंस रही है। ये सब देखकर जूली बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी, कोई है यहाँ, मदद करो मेरी, मेरी माँ, ये आपको क्या हो गया है, आप ऐसे हवा में कैसे उड़ रही हो? उसकी माँ के बाल खुले हुए और हवा में लहरा रहे थे और वो तेज तेज हंस रही थी और उससे बोल रही थी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मामूली लड़कियों को लेकर आती हूँ और उनका खून पी जाती हूँ। आज तू मुझसे नहीं बचेगी और मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? और अगर तुम मेरी माँ नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों मेरी जान लेना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें बताती हूँ, आखिरकार तुम मरने वाली हो और तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। सीमा अपनी गाय के साथ आधी रात को इस जंगल के रास्ते जा रही थी कि तभी सीमा के पीछे कुछ गुंडे लग गए और उस जंगल में सीमा को चारों तरफ से घेर लिया। सीमा अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही थी और उनसे कहती है, मुझे जाने दो, मेरी गाय के पेट में बच्चा है, मुझे और मेरी गाय को छोड़ दो। हम दोनों ने आखिर तुम लोगों का क्या किया है जो तुम हम दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? ऐसे कैसे जाने दें, हमारे हाथ तो रसमलाई लगी है, अब उस रसमलाई को बिना चखे हम कैसे जाने दे सकते हैं? सीमा को वहां सभी गुंडे छेड़ रहे होते हैं कि वहां से कुछ लड़कियां गुजर रही होती हैं, लेकिन उसको इस हालत में देखकर उन लड़कियों ने उसकी मदद नहीं की और वहां से चली गई। सीमा हर किसी से मदद मांगती रही लेकिन वहां से आने जाने वाली हर औरत और आदमी उसको देखकर चले गए, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। सीमा को बचाने के लिए उसकी गाय ने उन गुंडों को मारा, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो सीमा को नहीं बचा पाई और सीमा की आंखों के सामने उसकी गाय को जलाकर मार दिया। वहीं उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई लेकिन वो सफल नहीं हो सके और सीमा ने अपनी जान गंवा दी। तब सीमा की आत्मा निकल कर अपनी गाय के अंदर आ गई और तब से सीमा ने यहाँ इस गाय के पेट में अपना होटल नाम का एक होटल खोल लिया। मैं
सबसे मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की और इस तरह मैंने अपनी जान गवा दी। और मैंने तब से कसम खा ली कि यहाँ से हर गुजरने वाले इंसान को मैं मार दूंगी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हर लड़की या हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोच लिया है। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, पर तुम ये मौत का खेल बंद करो प्लीज। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने कातिल को मारा नहीं? तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मैंने तो उनको कब का मार दिया है, लेकिन मैं हर उस इंसान को मार दूंगी जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। सीमा अब जोली को मारने ही वाली होती है कि इतने में पीछे से विद्या आकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देती है और सीमा दर्द से कराहने लगती है और धीरे धीरे करके वो जलकर मर जाती है। विद्या, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आखिर मेरी मॉम कहाँ है? जूली, तुम्हारे मम्मी शहर में ही है, अब तुम आराम से अपने घर जाओ। इतना कहकर जूली विद्या को गले से लगा लेती है और जैसे ही वो उस होटल से निकलती है, धीरे धीरे करके वो चुड़ैल का गाय होटल जल के भस्म हो जाता है और जूली शहर अपने घर अपनी माँ के पास चली जाती है और अब अपनी माँ को सब कुछ बताते हुए अपनी आगे की नई जिंदगी की शुरुआत करती है और खुशी से रहती है।